नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब न्यूज़ गांव में। आज मैं आपको IDBI बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं उनमें आप अप्लाई कैसे करेंगे इसके बारे में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट मिल सकें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ, IDBI बैंक ने जो स्पेशलिस्ट जो ऑफिसर हैं उनकी जो वैकेंसीज जो हैं निकाली हैं उनके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जाके क्लिक करना है IDBI बैंक रिक्रूटमेंट 2019। आप एंटर करोगे तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स, लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी मेड लाइव शॉर्टली। इसके लिए जो लिंक है वो थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगा अप्लाई का। तो उससे पहले हम पढ़ लेते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज अपन आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है। इसके लिए लास्ट डेट है आपकी 30 अप्रैल 2019 और ऑनलाइन की जो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आज से शुरू हो जाएगी। लिंक अभी थोड़ी देर में एक्टिवेट हो जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारी 120 हैं, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा जो है वो क्या है, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए और जो ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद एज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ऑनलाइन चैनल, मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, ये जो डिजिटल बैंकिंग का जो पोस्ट कोड है उसके लिए हमें क्या चाहिए, एज मिनिमम 35, ठीक है। जो हमारी वैकेंसीज हैं उनके अकॉर्डिंग हमारी एज, क्वालिफिकेशन और एलिजिबल क्वालिफिकेशन जो है वो हमारी एक्सपीरियंस क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो आपको जिस भी वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है उसके लिए अपनी एज, क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो अच्छे से पढ़ के उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो आप ये जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर इज एसेंशियल, जो कंप्यूटर की नॉलेज है वो ज़रूरी है, ठीक है। परसेंटेज जो है वो 99.99 होगी तो वो पूरी कंप्लीट गिनी जाएगी और 0.49 होगी तो वो उससे पीछे ली जाएगी, ठीक है। और ये एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है। फिर रिजर्वेशन है ये हमारा, ठीक है। एम्बोलमेंट, पेड एंड अलाउंस, ये अलग अलग जो वैकेंसी हैं उनकी अलग अलग पे आउट दे रखी है, ठीक है। टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग टर्म्स, फिर उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन फीस है जो हमारी SC ST PWD की 150 है और फॉर ऑल अदर्स 700, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू अप्लाई ये आप जरूर पढ़िएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है, फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो इस एडवर्टाइजमेंट को आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर की ये हमें दे रखी है कि कैसा होना चाहिए फोटोग्राफ, कितने पिक्सल का उसका साइज़ कितना होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ें जो है वो ध्यान से पढ़िएगा। लिंक जो है वो आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जेन्युइन जो वैकेंसीज हैं उनके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।